लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार, मैं हूं रफ्तार और आज बात करते हैं ओम प्रकाश मिश्रा के बारे में। उसका गाना है बोलना आंटियां हूं क्या, और उसकी वजह से बहुत शोर मच गया हर तरफ एंड लोग परेशान हैं, लोग उसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग उसका साथ दे रहे हैं। किसी लड़की ने उसको डिस किया, रैपर्स की लैंग्वेज में कहते हैं डिस किया, वापस जवाब दिया उसी गाने की तरह और बोला कि केस कराऊं हैरेसमेंट का एंड एवरीथिंग। तो शी वॉज डिफेंडिंग द गर्ल साइड ऑफ द स्टोरी और उसको लोग कॉल कर रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, पीपल आर टेलिंग गिविंग हर हैरेसिंग हर, या सिंपल। सो अब ये क्यों होता है, गलत कौन है इसमें? इज ओम प्रकाश मिश्रा रॉन्ग टू डिफेंड द फैक्ट कि उसको अपना गाना बचाना था, गाना डिलीट हो गया, उसने मेहनत से बनाया अपनी, चाहे वो गलत है सही है, विल गेट ऑन दैट लेटर। और वो डिलीट हो गया तो वो भी उनका साथ दे रहा है। कुछ मीम पेजेस ने कहा कि लेट्स रेट दैट साइट दैट डिड दिस, जो पेज था क्विंट नियॉन आई गेस, हाँ क्विंट नियॉन, और उसको रेट किया, क्विंट नियॉन ने उसको रिपोर्ट किया। एक तरफ से ऐसा है कि क्विंट ने ओम प्रकाश को रिपोर्ट कराया तो बाकी लोग ओम प्रकाश को सपोर्ट कर रहे हैं टू रिपोर्ट क्विंट, पर गलत कौन है? दोनों गलत नहीं है। द गर्ल इज डिफेंडिंग द गर्ल्स पार्ट ऑफ द होल स्टोरी एंड ओम प्रकाश इज डिफेंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेयर ही वॉन्ट्स टू कम अप। अब सबको ऊपर आना है यार, मजबूरी सोसाइटी की है। उसने गाना निकाला बोलना आंटी आऊं क्या, वो हिट क्यों हुआ? ना उसने टीवी पे ऐड चलाई, ना उसने यूट्यूब पे ऐड चलाई, ना न्यूज़पेपर में आया, ना हमारे गानों की तरह बैनर लगे, ना कोई लेबल उसे बैक कर रहा है, ना उसने कोई महंगा कैमरा यूज किया, ना कोई महंगा रिकॉर्डिंग गेयर, ना उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, ना उस गाने में लड़कियां नाच रही थी, ना उस गाने में गाड़ियां खड़ी थी, ना उस गाने में ज्वेलरी थी। दिस इज ए, ना कोई बड़ा एक्टर था, ना कोई एक्ट्रेस थी, सो कोई सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट क्या था? ही वॉन्टेड टू कम आउट, उसको बाहर आना था, वो चाहता था कि वो पहचाना जाए। क्योंकि अगर आप उसकी सिचुएशन देखोगे ना, उसके बाद उसने एक वीडियो बनाई ओम प्रकाश ने, विच आई सॉ, क्योंकि कैरी ने उसको डिस किया विच वॉज वेरी फनी, कैरी ने उसको रोस्ट किया, बहुत फनी था और फनी था, दैट इज द रोस्टिंग कल्चर, और सब उसको फैला रहे हैं क्योंकि गाना भी वैसा है जो लोगों ने ही फैलाया, इसीलिए रोस्ट हुआ, लोगों ने फैलाया। जब उसका मजाक उड़ा तो लोग कैरी के साथ भी हंस रहे थे, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट कैरी और एनीबडी, एवरीबडी इज अ नोन पर्सन टू मी। और जब उसके अगेंस्ट गए तो भी लोग ओम प्रकाश के साइड हैं, कुछ लोग लड़की की साइड हैं, पर ऐसे क्यों हुआ? डेस्पिरेशन है ब्रो। एक बार उसकी सिचुएशन देखना, उसने कैरी के लिए वीडियो बना के कुछ गालियों में जवाब दिया और एंड में उसने बोला कि हम लोग बहुत मेहनत करके गाना बनाते हैं और कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो, हमें सपोर्ट नहीं करते। एंड देन ही सेड कि भाई अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। वो उसका बड़प्पन भी था, दैट शोज दैट ही इज नॉट अ बैड पर्सन बाय हार्ट। वो जहां रहता है ना, जिस तरीके के वो कपड़े पहनता है, जिस तरीके के उसके दोस्त हैं, जो वीडियो उसकी क्वालिटी है, उससे पता लगता है कि वो वहां से बाहर आना चाहता है। ही डजेंट लाइक डूइंग बोलना आंटी आऊं क्या। उसने इंडियन ऑडिशन में, एक इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया था जो मैंने देखा अभी, आई डिड अ होल रिसर्च ऑन इट, और वहां पे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट ही वॉज नॉट सिंगिंग अ बैड सॉन्ग ओवर देयर, ही कैन नॉट सिंग, तो ही कुडंट गेट सिलेक्टेड। सो अब वो डेस्परेशन के बाद इसने बोलना आंटी आऊं क्या बनाया और वो हिट हो गया। नाउ ही इज डूइंग अ सॉन्ग, सम गणपति सॉन्ग, जहां मैंने उसका इंटरव्यू देखा है उसके प्रोफाइल पे, फॉर अ मूवी, कोई मूवी है जिसमें उन्होंने रैप किया है गणपति जी के ऊपर। आप और मैं दोनों गवाह होंगे इस बात के, लेट्स सी वो गाना कितना हिट होता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है जो किसी को मॉक करे, उसमें कोई ऐसी लाइन ही नहीं है जो लड़की के अगेंस्ट हो या कुछ भी हो। तो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो क्या करेगा? वो वही बनाएगा ना जिससे उसको सपोर्ट मिल रहा है। ढिंचक पूजा को हिट किसने बनाया? उसने बनाया, उसके पीछे भी कोई लेबल नहीं है, आपने बनाया क्योंकि मजा आप सबको आता है। फिर हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट किसको करते हैं? जो माइनॉरिटी है। इजीली आप ओम प्रकाश मिश्रा को टारगेट बना सकते हो, क्योंकि ये क्या उखाड़ लेगा। शेखर रवि जानी का ही इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, उनका एक गाना आया था देवी, विच इज ऑल अबाउट हाउ लकी यू आर जब आपके घर पे बेटी पैदा होती है। उसके व्यूज देखे हैं मैंने, अपने व्यूज देखे हैं, सपोर्ट किया आपने उस कॉज को, उस चीज को, वैसी किसी चीज को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि ना वो क्लब में बज सकता, ना वो FM पे चलाएंगे तो मसाला मिलेगा, ना वो TV पे बार बार बज रहा, उससे कुछ ऐसा नहीं हो रहा ना जिससे मस्ती आ रही है आपकी गाड़ी में, उसमें बेस हिलेगा नहीं। तो क्या बनता है? बेबी को बेस पसंद है, देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट सॉन्ग, बट द सेम पीपल मेड इट एंड दैट सॉन्ग इज अ मेजर हिट।
क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आई डिड अ सॉन्ग कॉल बेबी मरवा के मानेगी। बहुत लोग गुस्सा हुआ है कि ये क्या टाइटल है, बेबी मरवा के मानेगी। पर उस कोरस के अलावा उस पूरे गाने में कुछ गलत नहीं है। ना तेरी कार में आई है, ना तेरी कार में जाएगी, ना तेरे बाप का खाती है, ना तेरे बाप का खाएगी। अरे गहरे के मुन्ना लगती है क्लब में, कोई देखे तो लगती है गाली बकने, इसको पटाने की तू देखियो ना सपने। ये मेरी लाइंस हैं। पर गाना क्यों चला? 40 मिलियन होने वाले हैं। इसलिए चला क्योंकि हुक थोड़ा गंदा लगता है सुनने में, और उसको एग्जैक्ट अगर ट्रांसलेट करो तो बेबी विल गेट यू किल्ड, बेबी विल गेट यू इन ट्रबल। पर हमारा दिमाग ऐसा हार्ड वायर्ड है कि हम लोग इन चीजों को ज्यादा पुश करते हैं। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, वो लड़की जिसने क्विंट नियॉन की तरफ से वो गाना बनाया उनके अगेंस्ट या जो भी बोला, वो गलत नहीं है। शी इज डिफेंडिंग द होल पार्ट वेयर द गर्ल्स आर नॉट फीलिंग सेफ, बिकॉज गाइज शाउटिंग बोलना आंटी आओ क्या ऑन द रोड विल मेक एनी वुमन पासिंग बाय फील स्केर्ड, फील थ्रेटेंड, थ्रेटेंड, अरे भाई जबान नहीं चल रही। इन एनी केस तो वो प्रॉब्लम की बात वहीं से है ना। तो वो अपना सही कर रही है, अपना सही कर रही है। हम कौन होते हैं मिलके उनको आपस में और इसको इंस्टिगेट करने का, और हम बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको सॉल्व करना है ना तो जड़ से मिटाओ, छोड़ दो ना ऐसे गाने सुनना। मैं ऐसे गाने बनाना ही छोड़ दूंगा, आई स्वेयर। मैं वैसे भी ऐसे गाने नहीं बनाता हूं। सुनना छोड़ दो ना, ना क्लब में बजाओ, ना रेडियो पे रिक्वेस्ट करो, ना आई एम टेलिंग यू रिपोर्ट माई सॉन्ग्स दैट आर बैड, गो अहेड डू दैट। Why? Because labels are backing me. You cannot do it because we will get it back. We know the people in the social area. That is not fair. Give both of them a chance. Om Prakash bhi galat nahi hai. Wo ladki bhi galat nahi hai. To iska hatred to yahin khatam kar dete hai. Secondly, cringe pop ko leke abhi bahut jo shor mach raha hai na. Aapne Bhojpuri gaane sune hai? Choliya mein Wi-Fi. Ek bar dikhaiye phone. Aur kya? मतलब यू जस्ट टाइप भोजपुरी सॉन्ग्स एंड सी द पिक्चराइजेशन ऑफ इट एंड द सॉन्ग नेम्स मैन, मतलब यू गेट माय पॉइंट, ठीक है? और उसको रिमूव कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना, बहुत पहले से था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग्स। बिच बेटर हैव माय मनी, ये लड़कियों के फोन में होता है। आई हैव सीन गर्ल्स कॉलिंग ईच अदर बिच ऑनलाइन, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर। शेप ऑफ यू वन ऑफ बहुत अच्छा सॉन्ग है ना, एड शीरन ने गाया है। एंड लास्ट नाइट यू वर इन माई रूम, नाउ माई बेड शीट स्मेल लाइक यू। कल रात थी तो कमरे में, चद्दर में तेरी खुशबू है। ऐसा क्या किया उसने जो उसकी खुशबू रह गई वहां पे? बट दैट इज नॉट अ बैड सॉन्ग, बिकॉज वाई? इट्स अ बिग लेवल, बिग वीडियो, एड शीरन फक। अगर आपने एड शीरन नहीं सुना तो आप कूल नहीं हो। पर बोलना आंटी आऊं क्या, और उसमें वो ये कह नहीं रहा कि आंटी मैं आज जाऊंगा, घंटी मैं बज जाऊंगा। उसने कहा बोलना आंटी आऊं क्या, उसको इस बात पर भी डिफेंड कर सकते हैं। हाँ, बेबी पुल मी क्लोजर इन द बैक सीट ऑफ योर रोवर, और बैठ के वहां चेस खेलेंगे। वी हैव दीज सॉन्ग्स। सो ऑल आई वॉन्ट टू से कि लेट्स स्टार्ट चेंजिंग अस। पुराने लोगों को चेंज मत करो, 40-50 साल के लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज वो हार्ड वायर्ड है। उन्होंने जो देखा है, जैसा हुआ है, वो उसको समझ चुके हैं। वो चीज उनके लिए वो असलियत है। हम जो एक्सेप्ट करते हैं, मैं रोक सकता हूं कि मैं ऐसे गाने ना बनाऊं, और अब नहीं बना रहा। लिसन टू माई सॉन्ग्स रिसेंटली, एंड देर आर अदर पीपल हु आर ट्राइंग लाइक मी। I've not heard Divine say, rap on anything bad. But why is not Divine that big? Why is his house not getting paid? Because he is not making songs like those. He is not stepping into Bollywood. There are other artists like that. Everybody wants to come out. So everybody tries the easiest way. What people are listening to. We have to change what we listen to move forward. Right? So isko yahan khatam karte hain. Plus, your kids, aapke chote bhai, aapki choti behen, उनको आप सही चीजें बताओगे ना, उनके आगे सही तरीके से एक्ट करोगे, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। पिछला नहीं बदल सकता, आगे का बदल सकते हैं, थोड़ा आपका बदल सकते हैं। सो गाइज, प्लीज लीव द ओम प्रकाश मिश्रा बॉय अलोन, प्लीज लेट दैट लेडी गो। इतना कुछ उसने गलत नहीं कहा है, दोनों अपनी चीजों पर डिफेंड कर रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट चेंजिंग अस। थैंक यू। वीडियो बहुत लंबी है, इसमें ही मेरे को गालियां पड़ेगी ना पड़ेगी, आई डोंट केयर मैन, बट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रियालिटी। It's about time now.